राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव पर एक बार फिर कोरोना संक्रमण का खतरा मंडरा रहा है। लालू यादव की भी कोरोना जांच संभव है। दरअसल रांची के रिम्स के पेइंग वार्ड में इलाजरत लालू प्रसाद की देखरेख कर रहे चिकित्सक डॉक्टर उमेश प्रसाद के वार्ड में एक मरीज में सोमवार को कोरोना संक्रमण की पुष्टि के बाद उन पर भी कोरोना संक्रमण का खतरा बढ़ गया है। 15 दिनों से इलाज के लिए यहां भर्ती बुजुर्ग मरीज में कोरोना संक्रमण पाए जाने के बाद सबकी जान सांसत में आ गई है। वार्ड के इंचार्ज और लालू के डॉक्टर डॉक्टर उमेश प्रसाद सहित वार्ड के सभी जूनियर सीनियर डॉक्टर स्वास्थ्य कर्मी सहित सफाई कर्मियों के सैंपल लेकर कोरोना टेस्ट के लिए भेज दिए गए हैं। रिम्स के अधीक्षक ने बताया कि जरूरत पड़ी तो लालू यादव का भी सैंपल लिया जा सकता है। लालू के लिए चिंता की बात यह भी है कि उनके वार्ड के बगल वार्ड में ही कोरोना संक्रमित मरीजों का इलाज हो रहा है। लालू यादव जी को लेकर एक मामला आया है कि उमेश प्रसाद जी के वार्ड में एक आदमी संक्रमित निकला है, सर क्या किस तरह की कार्रवाई हो रही है? उनके स्वास्थ्य पर लगातार निगरानी हम लोग रखे हुए हैं और जरूरत पड़ने पर जो भी उचित कदम उठाया जाना है वो उठाया जाएगा। उमेश प्रसाद जी के वार्ड में एक मरीज निकला है सर, वहीं इलाज होता है, उमेश प्रसाद जी ही इलाज करते हैं लालू जी का? हाँ, लेकिन हमने बात की है डॉक्टर उमेश प्रसाद से भी बात की है, उनके पीजी लोगों से भी बात की है और जो भी उचित कदम उठाया जाना होगा उठाया जाएगा। तो सर सबकी टेस्ट हो रही है, सैंपलिंग हो रही है जो? हाँ, उमेश प्रसाद के जितने भी ये थे जूनियर रेजिडेंट सीनियर रेजिडेंट हैं उनके अंडर में इंक्लूडिंग उमेश प्रसाद, इन सब लोगों का टेस्टिंग के लिए सैंपल ले लिया गया है और हम लोग आज रात तक उम्मीद करते हैं कि उनका रिजल्ट आ जाए। लालू यादव की भी सैंपलिंग ली जाएगी, सैंपल ली जाएगी? यदि आवश्यकता पड़ेगी तो लालू जी के इलाज के लिए जो भी उचित कदम उठाया जाना होगा उठाया जाए। किस तरह की सतर्कता बरती जा रही है सर लालू जी के इलाज में, वहाँ पे जो काम कर रहे हैं कर्मचारी हैं? उनके यहाँ जो कर्मचारी हैं उन्हीं के सेवा में रहते हैं, वो बाहर आते जाते नहीं हैं और लालू जी भी बाहर अभी नहीं कहीं निकलते, अपने कमरे में रहते हैं, तो इसलिए सतर्कता तो पूरी है। और डॉक्टर जो इलाज करते हैं सर, डॉक्टर उमेश प्रसाद, क्या उनके डायरेक्ट कांटेक्ट में रहते हैं लालू जी? अधिकतर बार जब से ऐसा कुछ भी हुआ है तो वो फ़ोन से बात करते रहते हैं, आवश्यकता होती है तभी वो जाते हैं और यही हाल पीजी लोगों का भी है, वो पीजी लोग तभी उसमें जाते हैं उनके पास जब कोई आवश्यकता होती है।